नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक केळकर आपके सामने आज कुछ ऐसे पेशेंट्स की हिस्ट्री लाने वाला हूँ कि जो हो सकता है उसमें आप अपने आप को देख सकते हैं कि मुझे भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, मगर आप कभी डॉक्टर के पास में जाएंगे नहीं और इलाज भी नहीं करेंगे। देखिए, तो ये 44 साल की लेडी है, इनको डिप्रेशन है, नर्वसनेस, इच्छा नहीं है, कुछ काम में रुचि नहीं है, शरीर में बहुत कमजोरी लगती है, हाथ पैर कमर दुखती है, इसके लिए आई थी। और इनको बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था, डिप्रेशन था, एंटी डिप्रेशन दवाई दे अच्छी हो गई। फिर ये दूसरे हैं, 39 साल के हैं, इनको स्टेज डेयरिंग कम है, स्टेज डेयरिंग, और किसी के सामने बात करना है तो उनको कॉन्फिडेंस निकल जाता है, ऐसा लगता है कि पैर की नीचे की जमीन ही सरक रही है। नकारात्मक विचार बहुत आते हैं और उनको लगता है कि नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर सकूँगा। और फिर किससे बोलना चालू किया तो जो बोलना है वो भी भूल जाते हैं, और उसके बाद में उनको बहुत बेकार लगता है, एकदम गिल्टी फीलिंग आता है। फिर अग्रेसिव हो जाएंगे, किसके ऊपर चिल्लाएंगे, चीखेंगे, घर में गुस्सा आएगा, इसके वजह से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम है। और किसके सामने बोलना है तो बस धड़ 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 हार्ट बीट चालू हो जाएंगे, पूरे बदन को पसीना पसीना तर हो जाएगा। तो ये बेसिकली एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है। इनको मैंने दवाई दिया और हिप्नोथेरेपी किया, बहुत अच्छा लगा। फिर तीसरी व्यक्ति है, 45 साल की लेडी है, और इनको प्रॉब्लम है बार 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 वही 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 विचार आना, ओसीडी का प्रॉब्लम है। मतलब बार बार हाथ धोना, बार बार गंदगी की विचार आना कि हाथ गंदे हैं, घर में बार बार धोना, घर में चीज़ें बार बार साफ करना, फिर टेंशन डिप्रेशन, उसके वजह से घर के लोगों का जीना बहुत ख़राब हुआ है। सबको बोलती है हाथ धो बार बार, कपड़े बार बार धोना, स्नान करने के लिए आधा आधा एक एक घंटा दो दो घंटे लगते हैं, पूजा पाठ करेंगे दो दो घंटे पूजा ही चालू है, घर के लोग सब तंग आ गए हैं। इनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बीमारी है, एंटी ऑब्सेसिव दवाई दिया मैंने, लाइक SSRI जो है ना, और क्लोमिप्रामिन बहुत अच्छा काम करते हैं, और उनको हिप्नोथेरेपी देके बहुत फ़ायदा हो गया। फिर ये 78 ईयर्स के इंजीनियर है, 78 साल के, और उनको बहुत बड़ा ऐसा थकान लगती है, और काम अभी भी कर रहे हैं, इंजीनियर है, और थकान लगती है, और काम करने के समय ऐसा लगता है कि नहीं अभी थक गया, अभी सो जाना चाहिए, उत्साह नहीं है। तो उनको भी ये उम्र में डिप्रेशन आ गया, क्योंकि बाकी सभी टेस्ट जो थी वो नॉर्मल थी, एंटी डिप्रेशन दिए और अच्छे हो गए। अभी इनका है, ये है 42 साल की लेडी, और उनको ऐसा हो गया है कि खाना खाया कि उनको तुरंत संडास को जाना पड़ता, जब जब कुछ भी खाते थे तुरंत संडास, और एक तरह का ये कंडीशनिंग हुआ है। एक्चुअली ये क्या है कि मेरा पेट विकार का मानसिक कनेक्शन जो वीडियो जरूर देख लेना आपने, कि मानसिक कनेक्शन और पेट जो है स्ट्रेट कनेक्टेड है। टेंशन आ गया तो इधर पेट में प्रॉब्लम आता है, IBS होता है, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम होता है। तो ये लेडी को क्या हो गया कि टेंशन आ गया कि भागना पड़ता, टेंशन आ गया कि भागना पड़ता। उसमें क्या हो गया कि टेंशन आ गया कि ये क्या करती थी, खाती थी कुछ तो। जो जिनको टेंशन आता है ना वो खाना भी ज़्यादा खाते हैं, जो टेंशन कम हो जाएगा, जो अच्छा लगता वो खाते हैं। टेंशन आ गया, उसने खाना खाया, मतलब खाना और कुछ भी खाया जैसा, लैट्रिन आ गया, लैट्रिन को चली गई। टेंशन आ गया, खाना खाया, लैट्रिन चली गई। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि खाना खाया, कुछ भी खाया तो भी लैट्रिन को लगना चालू हो गया, फिर टेंशन आओ कि नहीं आओ, ये कंडीशनिंग हुआ है। उसको डी कंडीशनिंग मुझे करना पड़ा। ये एक 82 ईयर्स के हैं, तो ऐसा है कि हुलक्कड़ बना है, याद नहीं रहता, रोज की चीज़ें जो है वो कहाँ रखी, चश्मा कहाँ रखा, चाबी कहाँ रखी, याद नहीं रहता, कभी कभी खाना नहीं खाया ऐसा बोलते हैं, हालांकि खाना खाया रहता है, बोलते मैंने खाना ही नहीं खाया, कभी स्नान ही नहीं किया मैंने, फिर बोलते मेरे को स्नान करना है डबल से, मतलब ऐसे मेमोरी प्रॉब्लम चालू हो गए, भुलक्कड़पना बहुत है। और अभी उम्र के हिसाब से जब डायग्नोज किया तो उनको अल्जाइमर्स डिसीज़ है, और ऐसा कंट्रोल में ला सकते हैं अल्जाइमर्स, ट्रीट करना तो मुश्किल है। उन्होंने दवाई चालू किया और उससे काफ़ी उनको आराम अभी हो रहा है। फिर नेक्स्ट 21 साल का लड़का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उन्होंने कंप्लेंट किया है कि अचानक एक बार घबराहट आ गई क्लास में, हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया, धड़ 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 चालू हो गया, और बाद में फिर उनको चक्कर आने लगी तो घर में भेज दिया, इलाज वगैरह किया, ठीक लगा, मगर क्या हो गया बाद में उनको सर दर्द करना चालू हो गया, हेडेक, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं। और फिर उन्होंने बताया साइकियाट्रिस्ट को, उन्होंने दवाई दिया। क्या होता है कि बहुत बार साइकियाट्रिस्ट बोलता भी है कि भाई काउंसिलिंग करो, मगर लोग बोलते हैं हमको दवाई दे दो, काउंसिलिंग नहीं करना है, दवाई दो जल्दी छोड़ो, काउंसिलिंग बहुत जरूरी रहती है। उन्होंने दवाई लिया, दवाई से थोड़ा बहुत फ़ायदा हो गया, मगर जैसा चाहिए वैसा फ़ायदा हुआ नहीं, और उल्टा ऐसा हो गया कि वजन बढ़ गया। फिर बाद में डायरिया का एक बाउट आ गया, 8-10 दिन डायरिया चला, और फिर बाद में धीरे धीरे पेट दुखना चालू हो गया, पेट में जलन, फिर पेट की सब टेस्ट किया, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, और ये सब के कारण वो चले गया डिप्रेशन में।
बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार ज़्यादा प्रमाण में आने लगे। उसके लिए फिर किसी ने बोला आयुर्वेदिक दवाई दो, फिर आयुर्वेदिक की तरफ चले गए वो। ये सब की वजह से उनको स्ट्रेस भी आने लगा, पढ़ाई में बिल्कुल इच्छा नहीं, पढ़ाई करते नहीं थे, और फिर एग्ज़ाम का डर, और एग्ज़ाम आ गए कि 2-3 दिन पहले बहुत बीमार, बिल्कुल गली जाना, चक्रा आना, बुखार आना, बस एग्ज़ाम तो कोई एग्ज़ाम तो जा ही नहीं सकते, ऐसा हो गया एकदम, क्योंकि पहले से पढ़ाई नहीं किया और एग्ज़ाम आ गए फिर डर। इसमें क्या हो गया कि इसमें उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर और फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ गया। माइंड डिस्टर्ब रहने लगा, बहुत अस्वस्थ, बेचैनी, पढ़ाई में मन नहीं। फिर बताया गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को, पेट में ठीक नहीं, चलो बताओ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, उन्होंने सब एंडोस्कोपी किया, सब तरह के इलाज किया, IBS का प्रॉब्लम बताया, उसकी भी इलाज किया, और फिर ये सब करने के बाद में एक दिन मेरे पास में लैंड हो गए। अभी क्या हो गया कि मैंने देखा कि एक के पीछे एक इनको बीमारी आ रही है, और पिछले करीब करीब 1-2 साल से ऐसा हो रहा है। उनको मैंने दवाई दिया, एंटी डिप्रेसेंट्स, IBS के लिए दवाई दिया, हमने खास स्पेशल फॉर्मुलेशंस तैयार किए IBS के लिए, वो दिया, हमने एक इंजेक्शन का कोर्स तैयार किया वो दिया, हिप्नोथेरेपी दिया, और उनको धीरे 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 उसमें आराम आने लगा। मेरे को साइकिल ब्रेक करनी थी, एक के पीछे एक बीमारी, एक के पीछे एक बीमारी, उनके दिमाग में चालू है कि मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, तो वो साइकिल एक बार ब्रेक हो गई और उनको अच्छा लगने लगा। फिर ये है 28 साल की, और बचपन से ही फिट आ रही है, दवाई चालू है, और फिट आती है तो एकदम सडनली गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, दांत के लिए बैठ जाएंगी, जबान दांत के नीचे आएंगी, आंखें सफ़ेद हो जाएगी, मुंह से लाल टपक जाएंगी, और फिर कुछ समय बाद में होश में आएंगे। उनको लगता है कि भाई मेरे ऊपर किसने जादू की है, और उदासी आती है, ये बीच में जब फिट नहीं आते उदासी आती है, भूख लगती नहीं है, और अभी भुलक्कड़पना बहुत ही चालू है, बहुत भुलक्कड़पना है, याद ही नहीं रहता। तो ये करीब करीब 2 साल से प्रॉब्लम चालू है। मैंने बोला भाई देखो आपको तो बाकी सब ठीक है, आपकी फिट यदि ठीक हो गई ना तो बाकी सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। मगर फिट ठीक होने के लिए उन्होंने एडिक्यूट दवाई नहीं ली थी, मैंने उनको एंटी एपिलेप्टिक दवाई दिया, फिट बैठ गई, जैसे फिट आना बंद हो गया उनकी तबीयत सुधरना चालू हो गई। ये सब ऐसे अलग अलग तरह की बीमारियाँ हैं। लोग प्रेजेंट हमारे पास में आते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, ऑडियो कॉल्स, वीडियो कॉल्स करते रहते हैं, खुद आते हैं हॉस्पिटल में और इलाज करते रहते हैं। लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि आज कम से कम 5 में से एक व्यक्ति एंग्जाइटी डिप्रेशन से प्रॉब्लम में है, और ये दवाई से, काउंसलिंग से, हिप्नोथेरेपी से अच्छा हो सकता है। तो लोगों को ये वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।